आइए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से स्पंज कट करना है और किस तरह से केक बनाना है। वो सारे डेकोरेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस किस तरह से करना है। सबसे पहले हम स्पंज को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरा स्पंज ले लेंगे साथियों। देखिए मैं साइड का इस तरह से कट कर रहा हूँ, दोनों केक को करके दिखा रहा हूँ और फिर हम जो है नीचे का और फिर का तीन भाग में कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये चारों स्पंज जो है कट कर लिया है और इधर पांच स्पंज हो गया। ये छठा स्पंज जो है मैं कट कर रहा हूँ। मैंने वीडियो इसलिए कट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और वही कटिंग आप लोग देख देख के थोड़ा बोर भी हो जाते और अच्छा भी नहीं लगता आपको कि कटिंग वही है लेकिन फिर भी दिखा रहे हो। तो मैंने आपको दो केक प्रॉपर कट करके बताया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो कट कर दिया। ओके दोस्तों, अब इसका जो है लेयर लगाने के लिए हम लोग इस तरह से वन बाय वन बिछा देंगे। इसके ऊपर हम शुगर सिरप ऐड किए हैं सॉफ्टनेस के लिए। अब हम क्रीम डाल दिए और क्रीम को कुछ इस तरह से मिला रहे हैं। क्रीम मिलाने के बाद जो है मैंने इसमें चोको चिप्स ऐड किया है, चॉकलेट का जो कंपाउंड वाला रहता है वो मैंने ऐड किया। तो देखेंगे जिस तरह से। अब इसके ऊपर से जो है टॉप वाला फिनिशिंग वाला फाइनल वाला शुगर सिरप ऐड कर देंगे। अब इसको आइसिंग करने के लिए हम लोग तैयार कर लिए हैं। केक को मैंने सेंटर में रख लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से क्रीम और इसको चलाएंगे चरखा की तरह। जिस तरह चरखा चलते थे गांव में उसी तरह से, बस वो चरखा जो है राउंड में घूमता था, दूसरे एंगल में घूमता था और हम लोग इसको फ्लाइट में घुमा रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका आइसिंग हो रहा है। ये फाइनली फिनिशिंग निकल के आ चुका है। इसके ऊपर जो है आप लोग ग्लेज चढ़ाते हैं तो मैंने ग्लेज नहीं चढ़ा करके डार्क कंपाउंड चढ़ाया है क्योंकि इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह से करना है मुझे जो वेलवेट का स्पंज आएगा और वो ग्लेज पे नहीं आता, तो इसलिए मैं डार्क कंपाउंड इस पर डाल दे रहा हूँ और फिर मैं साथ ही गार्निश भी लगा लूँगा, नहीं तो फिर चॉकलेट बाद में सेट हो जाएगा तो फिर चॉकलेट चिप से मतलब गार्निश जो है वो चिपकेगा नहीं। तो देखिए जैसे कि ये चॉकलेट जो है कुछ ज़्यादा ही सेट हो गया था तो इसमें गार्निश लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने डायरेक्ट कंपाउंड जो है गार्निश में लगा करके फिर साइड में लगाया था। अब जो है दूसरा केक ले लेंगे। सब केक के साथ साथ में जो साइड वाले गार्निश रहते हैं वो डेकोरेशन करते जाना है क्योंकि गार्निश के ऊपर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर आ जाए। इसको भी साइड में हम गार्निश लगा ही दे रहे हैं क्योंकि फिर बाद में चॉकलेट सेट हो जाएगा तो नहीं होगा, वही प्रोसेस सेम। तो इसका बस इतना सा ही प्रोसेस है, यह आपको नोटिस करने के लिए है तो आप नोटिस कीजिए कि सबका साइड वाला जो गार्निश है वो मैं हैंड टू हैंड कर दे रहा हूँ। अभी देखिए ये मेरा दो केक बन के रेडी हो चुका है जो उधर रखा हुआ है दिख रहा होगा, और तीसरा ये मेरे स्टैंड पे है।
तो ये मेरा फाइनली लास्ट केक कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ सेट हो गया था, तो मैंने कुछ इस तरह से गाने से लगा लिया है। ओके साथियों, अब जो है मैं इसको सभी केक को स्प्रे करने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो स्प्रे करने के लिए कलर ऐड किया है वो मैंने जेली कलर ऐड किया है, और इसके टॉप पे जो स्ट्रक्चर आएगा उसका जो कुछ इस तरह से डिजाइन देना है कि वाइट ग्लेज है मेरे पास। तो इस तरह का जो वेलवेट स्प्रे होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्प्रे एयर स्प्रे केक होता है, या इस तरह का कोई भी केक होता है, उसके लिए एयर कंप्रेसर मशीन होना ज़रूरी है। उसी से ये डिज़ाइन आता है, और वो अदरवाइज़ आपको दूसरे ट्रिक से नहीं आएगा, और कोई दूसरा ट्रिक निकला भी नहीं है फिलहाल। आदमी लोग करते हैं जो हैंड पंप वो बना रहता है, जो अमेजन पे मिलता है स्प्रे मशीन, उससे भी करता है, तो उससे भी कर सकते हो। बाकी ऐसा डिज़ाइन के लिए जो ना आपको एयर कंप्रेसर मशीन रहेगा तभी आएगा। और मैंने ऊपर से जो है वाइट ग्लेज डाला है। अगर आपको उसके लिए भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आप लोग को इंटरेस्ट रहेगा तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल ये ऊपर से जो है इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है वो वाइट ग्लेज का आ रहा है, और कुछ भी नहीं। तो साथियों देखिए, हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो रेडी हो चुका है, और मैंने आपको सब करके बता दिया है और समझा भी दिया है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने कहीं, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे जिगर का टुकड़ा बताओ इसके के लिए आ गए। उतरा फोटो के साथ ले लेता ना, आदमी यकीन पा लियो ना ना करियो यकीन यहां देखो।
हर एक का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि दूसरा वीडियो आपको मिल जाए। और फिर ये केक जो है रेडी करने में वो हमारे तीन साथियों का और जो दो साथियों का जो है इसमें योगदान रहा है, उन्होंने मिल करके हम तीनों ने इस केक को रेडी किया है। तो आइए मैं दूसरे सेकंड वाले सर से मिलाता हूँ। नहीं कुछ मेरी मेहनतों का बस इतनी सी सिला दो कि मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके हर तरफ फैला दो। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि एक साथी कैमरा के पीछे थे और दूसरा जो है यहाँ पे खड़े हुए थे, अब वो कैमरे के पीछे और दूसरा यहाँ है। तो बताओ आपको क्या कहना है केक के बारे में, कुछ बताओ ऑडियंस को बताओ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये केक छे बन चुका है, रेडी है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगे तो चैनल में जुड़े रहे, वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।